बिहार में नगर निकाय चुनाव के बाद आज मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सबसे ज्यादा रुझान गया की वार्ड संख्या 26 में देखने को मिला। वार्ड संख्या 26 में कई प्रत्याशियों के बीच मनमोहन श्रीवास्तव ने इस सीट पर न सिर्फ अपना कब्जा लिया है बल्कि उप महापौर का भी सीट हासिल कर लिया। आपको बताते चले कि वार्ड संख्या 26 के वार्ड पार्षद अबरार अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले 9 जून को मतदान हुआ था और आज मतगणना हुआ। जैसे ही वार्ड संख्या 26 की घोषणा हुआ कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया। इस बाबत क्या कहे मनमोहन श्रीवास्तव और उनके पक्षधर आप भी सुन लीजिए। पूरे भारत में एक 26 वार्ड ने एक मिसाल कायम की जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसे भारत को आज़ाद कराने में सभी समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर भारत को जैसे जीत दर्ज कराई थी स्वतंत्रता दिलाई थी उसी तरह आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने मिलकर वार्ड 26 से हमारे उप महापौर को जिताकर यह साबित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। कुछ चंद लोग इसमें भाईचारा को तोड़ने का कार्य करते हैं उसके लिए 26 वार्ड की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसीलिए मैं वार्ड नंबर 26 को जनता को अभिनंदन करता हूं और नमस्तक करता हूं जिसने पूरे भारत में एक कायम किया जहां मुस्लिम बहुमत क्षेत्र था वहां से एक हिंदू समाज के लोकप्रिय नेता हमारे माननीय उप महापौर पूर्व उप महापौर माननीय मोहन श्रीवास्तव जी को यहाँ भेजा उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। उपचुनाव हुआ और माननीय अबरार अहमद जी के इस्तीफा देने के कारण हुआ। उन्होंने अपने वार्ड के साथ साथ गया नगर निगम क्षेत्रों को बेहतरी के लिए कुर्बानी दिया इसके लिए मैं हृदय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो ही यह सीट खाली हुआ फिर इस पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में वार्ड 26 के तमाम मतदाता वोटर सपोर्टर सभी साथी जिन्होंने मिल करके ये चुनाव नहीं चुनौती के रूप में लिया और वोटिंग के दिन 43-44-45 डिग्री और वो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहाँ पे जुम्मा उस दिन था शुक्रवार और कई तरह का शक्ति बरती जा रही थी उसमें महिलाओं को निकलना उसमें मतदाताओं को निकलना और जाकर के वोट देना और चुनाव जिताना इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नमस्कार करना चाहता हूँ और चाहे जितनी प्रशंसा की जाए वो कम। चुनाव जीतने के बाद जो जवाबदेही अगली बढ़ी है उसको बखूबी हम लोग महापौर महोदय नगर उप महापौर महोदय सभी पार्षदगण पदाधिकारी कर्मचारी सफाई कर्मी सब लोग मिल करके शहर के सभी सम्रांत आम लोगों से सहयोग लेकर के नगर निगम को जैसे पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए गए थे हर घर में QR कोड लगाए गए उससे निकाले गए कचराओं से ऑटोमेटिक प्लांट बिठा करके खाद बनाने का निर्माण शुरू हुआ। पूरे हिंदुस्तान का सर्वेक्षण में बिहार में टॉप गया नगर निगम 2 वर्षों से आया। GP रोड KP रोड जहां एक गली नहीं बनता था निगम से ढाला गया। लाइट एंड साउंड की व्यवस्था पार्क की व्यवस्था ओपन जिम का व्यवस्था इत्यादि हुए। अब सारे गोलंबर और जो कंस्ट्रक्शन से निकलते हैं कचरा उससे हम लोग पेपर ब्लॉक बना कर और शहर में जो नई नई कॉलोनियाँ हैं जो मिट्टी का है चलना फिरना मुश्किल है सब कुछ झकाझक चकाचक करना ये बड़े बड़े अपरिहार्य काम है जो अच्छा खासा नगर निगम भी नहीं कर पाया है हिंदुस्तान में वैसे इसको ऊपर ले जाना है। इसके साथ ही साथ ये चुनाव नहीं चुनौती था और मैं इतना ही कह सकता हूँ इतना तरह का खेल खेला गया साजिश बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला एक कहावत है। ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल तह तक।